कक्षा 12वीं गृह विज्ञान अध्याय 1 श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने श्वसन तंत्र की संरचना में गला, ग्रसनी आदि को पढ़ा था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। आगे है फेफड़ों की संरचना। यह वक्ष गुहा के दोनों ओर स्थित है। प्रत्येक फेफड़े के भीतर एक श्वास वाहिनी होती है। इन्हीं के साथ फेफड़ों की रक्त वाहिनियाँ, जिनको कि हम फुसफुस धमनी भी कहते हैं, और नाड़ी तंतु भी फेफड़ों में प्रविष्ट होते हैं और श्वास वाहिनियों का रूप ले लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा, फेफड़े कैसे होते हैं, जैसे एक वृक्ष की डाली से अनेक शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं, उसी तरह कुछ फेफड़े की संरचना होती है। प्रत्येक वायु वाहिनी के अंतिम छोर पर 10-20 पारदर्शी वायु कोश के गुच्छे लगे होते हैं। इन वायु कोशों में स्थित स्थापकत्व का गुण रहता है, जिससे श्वास ग्रहण करने पर सभी वायु हवा से भरकर फूल जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं बच्चों, तो ये वायु कोश जो है ये फूल जाते हैं, और वायु कोशों के आसपास फुफ्फुस धमनी और शाखाएं सूक्ष्म केश वाहिनियों के रूप में छाई रहती हैं, जिनमें हृदय से आता हुआ अशुद्ध रक्त बहता है। शेष केश वाहिनियों की दीवार भी अत्यंत पतली रहती है। अशुद्ध रक्त से वायु कोशों में आई हुई शुद्ध वायु का आसानी से विसरण हो सके, इसलिए फेफड़ों के भीतरी रचना इतनी जटिल है कि बाहर से आए श्वास के साथ वायु अधिक समय तक ठहर सके। इसी कारण फेफड़ों के अंदर अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ और उपकोष्ठ होते हैं। इसके बाद आता है श्वास पटल। ऊपर बताए गए वायु मार्ग के अतिरिक्त जो अवयव श्वासोच्छ्वास में सहायक होते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान श्वास पटल का है। श्वास पटल एक चपटा और अर्धगोलाकार पर्त है, जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को जोड़ता है। इसके प्रसारण में श्वास पटल के बीच का भाग नीचे की ओर खिंच जाता है, जिससे वृक्ष की खड़ी लंबाई बढ़ जाती है और फेफड़ों को वायु में से भरकर फैलने के लिए अधिक स्थान मिलता है। जब श्वास वायु पटल स्नायु आकुंचित होते हैं, तब पूर्ववत स्थिति में आकर पुनः अर्धगोलाकार हो जाता है। उसके दबाव से फेफड़ों में प्रविष्ट वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हर बार श्वास लेते समय और छोड़ते समय श्वास पटल के आकुंचन प्रसरण में सहयोग मिलता है। श्वास पटल के आकुंचन के समय छाती की हड्डी का निचला भाग आगे ढकेला जाता है और वह वक्ष गुहा सामने से पीछे की ओर फैल जाती है। पसलियों के बीच के स्नायु की प्रत्येक पर पसली के बीच जो स्नायु, वे भी श्वास लेने और छोड़ने में सहायक होते हैं। इसके आकुंचन से पसलियां ऊपर उठ जाती हैं और छाती का खोखला भाग आड़ी दिशा में बढ़ जाता है। अब आते हैं बच्चों श्वसन के पद। श्वसन के पद 3 होते हैं। पहला बाह्यश्वसन, दूसरा ठहराव या लय, और तीसरा आंतरिक श्वसन। तो पहले देखते हैं बाह्यश्वसन, जो 2 होते हैं, निःश्वसन और दूसरा निःश्वसन या उच्छ्वास। पहले देखते हैं बाह्यश्वसन क्या है। इस क्रिया में वायु मिश्रण के रूप में श्वसन सतह तक एक निश्चित श्वसन मार्ग से होकर पहुंचना
और उसी श्वसन मार्ग से होकर वापस आना है। यह क्रिया दो पदों में पूरी होती है, पहला है निःश्वसन और दूसरा उच्च श्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है श्वास ग्रहण करना। उपरोक्त स्थितियों में वक्षस्थल के पिंजरे का घेराव बढ़ जाने से वायु नासिका में प्रवेश कर नासिका गुहा और श्वास नली से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। इस कार्य में फेफड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है और मनुष्य द्वारा श्वसन ग्रहण करने की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात सांस अंदर आती है। दूसरा है निःश्वसन। उच्छ्वास की क्रिया में श्वसन पटल पर स्नायु शिथिल हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और अर्धगोलाकार स्थिति में आ जाते हैं। पसली के स्नायु भी शिथिल होने से पिंजरे का दबाव फेफड़ों से श्वास नली नासिका गुहा से फेंकी जाती है, अर्थात सांस बाहर निकलने लगती है। इसका है अगला पॉइंट ठहराव या लय। जब वायु मिश्रण फेफड़ों के कोष्ठों में पहुंचती है तो वायु के प्रवेश तथा बाहर निकलने की क्रिया ठहराव कहलाती है। इसमें कुछ सेकंड का समय भी लगता है। इस अवस्था में वायु मिश्रण में से O2 ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना होता है। यह क्रिया संतुलित नियमित रूप से होती रहती है। जितनी O2 मतलब ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उतनी ही CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। अब दूसरा है आंतरिक श्वसन। यह क्रिया भी कुछ 2-3 पदों में पूरी होती है। आप चित्र में देख रहे होंगे कि श्वास को लेना और छोड़ना, श्वास एवं उच्छ्वास मतलब सांस को लेना और छोड़ने के समय फेफड़ों की स्थिति क्या होती है। जब सांस लेते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं, वायु के प्रवेश होने से वायु कोश फूल जाता है तो फेफड़े फूल जाते हैं, और जब सांस लेते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है जिससे फेफड़े संकुचित या सिकुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं, यह क्रिया भी दो भागों में पूरी होती है। पहला है वायु का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणों में उपस्थित हीमोग्लोबिन लौह यौगिक वायु मिश्रण में से हो केवल ऑक्सीजन को ग्रहण कर अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है जिससे रक्त शुद्ध होता है। नीचे सूत्र में देखिए, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है बच्चों? जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी रूप से बन जाता है जिससे हमारा रक्त शुद्ध होता है। दूसरा है CO2 का परिवहन। CO2 बच्चों काहे का सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अंगों में उत्पन्न CO2 को पुनः या फिर से फेफड़ों तक वापस लाने का कार्य रक्त की प्लाज्मा का है। रक्त में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट CO2 को ग्रहण कर सोडियम बाइकार्बोनेट में अस्थायी लवण बनाता है। बेटा फिर से देखिए, रक्त में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम बाइकार्बोनेट का अस्थायी लवण बना देती है जो फेफड़ों में आकर पुनः टूट जाता है। CO2 निःश्वसन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। फिर श्वसन की क्रियाविधि। यह कार्य शरीर के अंगों की कोशिकाओं में होता है, वास्तविक श्वसन नहीं है। यह क्रिया दो पदों में होती है, ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस। प्रत्येक कोशिका की कोशाद्रव्य में भोजन के रूप में उपस्थित शर्करा जिसको ग्लूकोज बोलते हैं का एक अणु
बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दो पाइरूविक अणु में टूट जाता है और दो टीएपी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है क्रैब चक्र। यह क्रिया प्रत्येक कोशिका के कोशल द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। बच्चों आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी कहा जाता है। यह बहुत जटिल प्रक्रिया है और धीरे धीरे होती है। यहाँ पाइरूविक अम्ल का जारण होता है जिसमें CO2 उत्पन्न होती है और 36 ATP अणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये सूत्र है C6H2 H12O6 प्लस 6O2, फिर ये क्रिया होती है इनमें और अंत में CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP ऊर्जा प्राप्त हुई। यह क्रम निरंतर स्वतः चलता रहता है। जैव ऊर्जा का संग्रह कर उत्पादन होता रहता है। क्रिया में अनेकों एंजाइम्स भाग लेते हैं। एक ग्लूकोज अणु के रूप में ऑक्सीजन होने में O2 के 6 अणु खर्च होते हैं, जिसमें CO2 के 6 अणु एवं पानी H2O के 6 अणु निकलते हैं तथा इससे 38 ATP जैविक ऊर्जा मिलती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है एवं संग्रहित रहती है। साधारण व्यक्ति में एक मिनट में श्वासोच्छ्वास की क्रिया मतलब सांस लेने की क्रिया लेने और छोड़ने की 16 से 20 बार संपन्न होती है। परिश्रम या मेहनत करने पर या तेज चलने और दौड़ने पर इसकी गति बढ़ जाती है। ज्वर में भी इसकी गति बढ़ती है। उपरोक्त स्थितियों में अपचय की क्रिया द्वारा जितनी भी श्वासोच्छ्वास की गति बढ़ती है उपरोक्त स्थिति में उतनी ही तेजी से उसके निष्कासन की व्यवस्था के लिए श्वासोच्छ्वास की गति असाधारण हो जाती है। एक बार निःश्वास ग्रहण करने पर लगभग 30 वर्ग इंच वायु शरीर में पहुंचाई जाती है। अब है रक्त का शुद्ध होना। श्वास ग्रहण करने की क्रिया में शुद्ध मिश्रित वायु फेफड़ों के भीतरी भाग तक पहुंच जाती है और वायुकोश भी हवा से भर जाते हैं। उसी समय वायुकोश के आसपास फुफ्फुस ध्वनि और केशवाहिनियों के जाल में अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी की भाप आदि दूषित पदार्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त में हीमोग्लोबिन तत्व भी रहता है जिससे ऑक्सीजन को चुंबक की तरह खींच लेने की क्षमता होती है। पारदर्शी वायु कोशों से शुद्ध वायु केशवाहिनियों के रक्त में बहने वाले हीमोग्लोबिन द्वारा खींच ली जाती है या अवशोषित कर ली जाती है जिससे रक्त में ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनता है जो शुद्ध रक्त का स्वरूप होता है। इसके अतिरिक्त केशवाहिनियों की दीवार इतनी पतली होती है जो रक्त के दूषित पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड पानी की भाप आदि आसानी से वायु कोशों में पहुंच जाते हैं। वास्तव में वायु कोश और केशवाहिनियों की दीवारें इतनी पतली होती हैं कि उसमें वायु के विसरण की क्रिया आसानी से संभव हो जाती है। शुद्ध रक्त होकर फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में एकत्रित होता है। इसी प्रकार रक्त शुद्ध होता है पुनः अशुद्ध होने पर अंगों से फेफड़ों में शरीर में घूमता हुआ पहुंचता रहता है। बच्चों आज यहाँ पर श्वसन तंत्र खत्म होता है और इसके कुछ गृह कार्य हेतु प्रश्न उत्तर है जो आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और याद करेंगे।